If you love travel, if you love adventure, and if you love nature, this place is for you. A very good morning you all. How are you doing all? I hope you are doing good और आप सभी safe होंगे घर पे. सो आपको तो आप पिछले तीन वीडियो में पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ और मैंने क्या क्या घूमा है. सो आज जो है मेरा चिकमंगलुरु में लास्ट डे है और डे फोर है, बट मेरे को जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्योंकि आपने जैसा देख ही लिया होगा कि मैं कितना ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ. और कुछ ट्रैवल जब मैं करती हूँ तो क्या होता है कि आप बाहर ही ट्रैवल करते हो, घर पर आपको बस आराम करना होता है, मतलब आके बस रेस्ट करना होता है, फिर आपको बाहर जाना होता है. लेकिन इस ट्रैवल सीरीज़ में ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरे को जब मैं बाहर से आती हूँ तो मेरे को रहने के लिए जो इतना पीस जगह है, मेरे को यहीं पे, यदि मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँ तो मैं यहीं पे पूरा टाइम रह सकती हूँ और इन्जॉय कर सकती हूँ. इसको मैं इतना रिलैक्सिंग जगह है ये कि मैं इसको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं है, बट मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी तीन से मैं यहाँ हूँ और ये मेरा फोर्थ डे है. सो बहुत सारे काम है, वापस बैंगलोर जाना ही पड़ेगा. बट उससे पहले मैं ये बता दूँ कि जैसा कि बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारे स्टोरी डाला है और इंस्टाग्राम पे भी मैंने बहुत सारे स्टोरी डाले, हाईलाइट्स डाले हैं, तो आप हाईलाइट्स में जाके चेक कर लेना. और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है स्टोरी ऑफ मी शिल्पी, वहाँ देख लेना. और उसके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मैं तो सारे यूट्यूब में यही आपसे बात ही करूँगी. तो जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं मैं यहाँ बता दूँ कि बजट क्या है, मैं कैसे आई हूँ और ये जगह क्या कैसे है. तो ये जगह जो है चिकमंगलुरु में से थोड़ा बाहर है, आउट स्टेशन पे है. और मैं बिलीव करती हूँ कि यदि आप ट्रैवल करने आते हो तो सिटी से बाहर रहो, क्योंकि सिटी से बाहर आपको प्योर नेचर मिलेगा. और ऐसा मानते हैं कि चिकमंगलुरु जो है वो नेचर वाला, नेचुरल आयुर्वेदिक की जगह है. तो यहाँ पे आपको सब कुछ नेचुरल मिलेगा, जगह भी नेचुरल मिलेगा, पानी नेचुरल मिलेगा, सब कुछ, एयर भी नेचुरल मिलेगा. तो ये बहुत ही अच्छी बात है. और सच्ची बात बताऊँ, एक सीक्रेट बताती हूँ कि यहाँ से आने से पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे को फीवर था, कोल्ड था, सब था. लेकिन यहाँ के आने के बाद मैं ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ. मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी है, अभी भी कोल्ड है, थोड़ी सी कोल्ड है, बट मेरी फीवर चली गई, सब ठीक हो गई. नेचर ने मेरे को पूरा हील किया है, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि कितना पावर है नेचर में. यदि मैं उस दिन ट्रिप कैंसिल कर देती तो शायद मैं इसको इन्जॉय नहीं कर पाती. सो मैं रिग्रेट करती कि मैं यहाँ क्यों नहीं आई. तो उस बात, उसको हम बाद में बात करेंगे. पहले मैं यही बता दूं कि मैं बैंगलोर से आई हूँ यहाँ पे, और बैंगलोरों से 250 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है चिकमंगलुरु. तो आप जब रुक रुक के आओगे तो आपको टाइम लग जाएगा, बट यदि आप विदाउट स्टॉपेज लेते आओ, आप आते हो यहाँ पे, तो आपको 250 किलोमीटर्स पड़ेगा बैंगलोर. रास्ते में मैंने बहुत सारे जगह ट्रैवल किया, वो आपको पिछले वीडियोस में दिखे गए होंगे. तो हमने ये ट्रैवल प्लान था हमारा बहुत ही स्मूथ था. हमने रिलैक्सिंग के लिए इसे चूज़ किया था. एंड आज है डे फोर, तो आज मेरे पास बहुत सारे काम है, बट मैं घूम नहीं रही हूँ कहीं पर, क्योंकि मैं ऑलरेडी आई थिंक एक्सप्लोर कर चुकी हूँ. और चिकमंगलुरु को मेरे को लग रहा है एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2-3 दिन में नहीं होगा, आपको बहुत टाइम चाहिए यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए, आपको यहाँ रहना ही पड़े शायद. लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि ट्रैवल ऐसी ही चीज़ें हैं कि आप कुछ छोड़ते हो तो कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस में मेमोरी लेके जाते हो यहाँ से, जो मैं लेके जा रही हूँ. और मैं ये बिल्कुल एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप जब यहाँ आते हो तो ये मत सोचना कि मेरे को ये घूमना है. आप इस चीज़ को फील करो, नहीं घूमो कोई बात नहीं, लेकिन फील करो. आप थोड़े जगह को घूमो, थोड़ी जगह रेस्ट करो, रिलैक्स करो. आप ट्रैवल रिलैक्स करने के लिए आए हो तो रिलैक्स करो. तो यदि हो गई ये बात, मैं कैसे आई, क्या क्या किया मैंने. और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरी एक्सपीरियंस अमेजिंग थी, अमेजिंग. मतलब ये ट्रैवल मेरे को हमेशा याद रहेगा, ये मैं सर भूलूँ भी नहीं. और ये इसलिए भी याद रहेगा क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कामिंग स्मूथ, मतलब मैंने, ऐसा लग रहा है कि मेरा माइंड फिर से रिफ्रेश्ड हो गया, मैं पूरी तरह से रिफ्रेश्ड हो गई हूँ. एक्सपीरियंस ऐसा ही था, कुछ सब जगह मैंने घूम लिया. और यदि मैं दूसरी जगह बताऊँ, और चिकमंगलुरु आपको पता ही होगा कि कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए फेमस है, तो आज मैं वो टूर जा रही हूँ, आज मैं कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए जा रही हूँ टूर के लिए, तो वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा आगे. उससे पहले यदि मैं बजट का बात करूँ तो मैं बजट भी बता देती हूँ कि हमने कैसा प्लान किया था. हमने ट्रेन से प्लान किया था. आप यहाँ पे बहुत तरीके से आ सकते हो, बाय रोड आ सकते हो, बाय, यदि फ्लाइट से आते हो तो आपको बेंगलुरु आई थिंक पास पड़ता है एयरपोर्ट,
या बैंगलोर शायद पास पड़ता है एयरपोर्ट, और ट्रेन से भी आ सकते हो। ट्रेन भी यहाँ पे है, ट्रेन से कुछ टाइम कादूर आई थिंक आपको लास्ट स्टॉपेज मिलेगा, वहाँ से आपको बस लेके चिकमंगलूर आना पड़ता है। उसके बाद आप बस से आ सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगी जैसा मैंने किया, जैसे मेरे को मैंने ट्रेन पहले बुक किया था, फिर बस लेना, फिर कार लेना। और यहाँ पे आपको जब आप लोकल से बात करोगे तो थोड़ा प्राइस ज़्यादा देते हैं, इससे अच्छा है कि आप एजेंट से बात करो, किसी ट्रैवल एजेंसी से बात करो जैसे मैंने किया। और हमें पूरे दिन का, 4 डेज़ का हमें बैंगलोर से आना लेके जाना और 3 दिन में ट्रैवल कराना हमें लगा है, और आई थिंक 10,000 to 11,000 हमें लगा है। तो ये बहुत ही अच्छी डील थी हमारे लिए। यदि मैं होम स्टे का बात करूँ तो यहाँ पे 4 दिन का मेरे को लगा है 4,000 पर पर्सन, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, डिनर, देन बॉन फायर, शाम का पकौड़ा एंड कॉफ़ी एंड। तो ये बहुत ही अच्छी डील थी, 4 दिन के लिए 4,000 बहुत ही अच्छी डील थी। और यहाँ पे जो हमें खाने को मिला वो पूरा ही लोकल फूड मिला है, जो कि मैं चाहती थी। मैंने जब यहाँ पे आई ना तो मैं होम स्टे के ऑनर से पहले ही बात कर लिया था, होम स्टे ऑनर का नाम है विकास, मैं उनका भी डिटेल्स दा दूँगी, यदि आपको यहाँ पे आना है तो हम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैंने विकास से पहले ही बोला था कि मेरे को चिकमंगलूर का ऑथेंटिक, लोकल ऑथेंटिक फूड चाहिए जो मैं इन्जॉय कर सकती हूँ, जो कि मैंने प्रॉपर इन्जॉय किया। इन्होंने मेरा, यहाँ का जो होस्टिंग है बहुत ही अच्छा था, विकास ने बहुत अच्छे से होस्ट किया है। यहाँ पे भरत के हैं जो यहाँ पे टेक संभालते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे हमें ध्यान रखा है। मैं इस जगह में कोई डाउट नहीं है कि बहुत ही अच्छे से होस्ट किया गया है इस जगह को। तो यदि आपको भी आना हो तो मैं इसका डिटेल्स डाल दूँगी नीचे। और यदि बात करूँ एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए, तो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको कुछ नहीं लगेगा, आप गाड़ी बुक करके आ सकते हो, होम स्टे का हो ही गया, एक्स्ट्रा चार्जेस आपको कहीं नहीं लगेगा। और लंच यदि आपको बुक लेना है तो लंच आप होम स्टे से ही करवा सकते हो पैक, नहीं तो आप बाहर देख सकते हो, कुछ बाहर आपको बहुत सारे कैफेज रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। और उसके अलावा क्या आपको मिल सकता है, आपको एक्सपेंस हो सकता है पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग चार्जेस थोड़े हैं तो हर जगह आपको थोड़े थोड़े पार्किंग चार्जेस लगेंगे। जैसे कि हेबे फॉल में आपको 500 पर पर्सन लगेगा, तो वो थोड़ा एक्सपेंस है, तो उसको देखते हुए वो थोड़े एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं जो मैं यहाँ पे आपको सारे यहाँ पे कैलकुलेट करके डाल दूँगी पर पर्सन के अकॉर्डिंग। तो ये ट्रिप बहुत ही बजटेड आप कर सकते हो, यदि आप, मैं तो 4 दिन के लिए रुकी हूँ तो इतना है, यदि आप 1 दिन के लिए रुकते हो, 2 दिन के लिए रुकते हो तो आपका और भी कम बजट में हो जाएगा। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस प्लेस को विजिट करो। मैं ये नहीं, इस होम स्टे का तो बिल्कुल ही कर रही हूँ कि आओ रिकमेंड कर रही हूँ, लेकिन आपको जहाँ भी आना बट चिकमंगलुरु आओ और इस प्लेस को एक्सप्लोर करो, ये प्लेस सच्ची में बहुत ही अमेजिंग है। इसके बाद मैं अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने एंड मैं जाऊँगी कॉफ़ी प्लांटेशन टूर करने, तो मैं चलती हूँ आप लोगों के साथ लेकर के, चलते हैं। उससे पहले मैं आपको आज का व्यू दिखा देती हूँ कल, क्योंकि आज कल बारिश हुई है यहाँ पे, तो व्यू यहाँ का बहुत ही अमेजिंग है। पूरे डालते सारे कटोरी ले। हाँ सो दिस इज माई टूडेज ब्रेकफास्ट, इडली, चटनी, सांबर एंड पोंगल। लेट्स एंजॉय। दिखना चाहिए कुछ। सो नाउ आई एम डन विथ माई ब्रेकफास्ट, जो मैंने इस अमेजिंग व्यू के साथ किया है। नाउ आई एम गोइंग टू विजिट कॉफ़ी प्लांटेशन, जो मेरे को कॉफ़ी प्लांटेशन का टूर मिलने वाला है और मैं आप लोगों के साथ लेके चलती हूँ, तो चलिए चलते हैं। आ गया ये। कॉफी प्लांटेशन का टाइमिंग क्या होता है, मतलब कॉफी कब आता है इसमें? कॉफी का और भी सेम। अच्छा, कॉफी टूटता कब है? अप्रैल में। अच्छा, मई अप्रैल में। अच्छा, अभी तो आई थिंक फ्लावर ही दिया है ना बस। हां फ्लावर अभी। ये सारा फ्लावर अभी ड्राई हो रहा है ना? हां मैडम, ड्राई होने के बाद वो सीड्स आते हैं कॉफी के।
सो दिस इज कॉफी, ये कॉफी का बीन्स है एंड पेपर मसाला हम कॉफी प्लांटेशन टूर कर रहे हैं और ये देखने में बहुत ही अमेजिंग है। तो ये है भारत जो नेचर स्ट्रीम होम स्टे में हमें होस्ट किया है जिन्होंने, और हमें बहुत ध्यान से मतलब बहुत अच्छे से रखा, बहुत ध्यान रखा कि हमें किसी चीज़ का कमी ना हो। तो यदि आपको कोई डिटेल चाहिए तो मैं इनका भी नंबर नीचे डाल दूंगी एंड आप इनसे एग्जैक्ट एड्रेस पूछ सकते हो कि ये यहाँ कहाँ पे है, ये लोकेशन नियर नेचर स्ट्रीम होम स्टे सुरगु पे बख्तरली चिकमंगलूर से 20-25 किलोमीटर होता है। सो यदि आप यहाँ कभी आते हो तो मैं इनका भी नंबर डालूंगी, डिटेल्स डालूंगी, आप पक्का इस जगह पे विजिट करना। अच्छा तो लाइट वाइट पता होगा? लाइट नहीं है मैडम, ऊपर एक टेंपल है। अच्छा तो दीपावली में वहाँ खुलता है, ओपन होता है? हाँ ओपन करते हैं। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक दिन देवन में आए थे तो कुछ नहीं था, घास देखे कैसे घास जादू है इससे। ये पाम ट्री है ना छोटा छोटा जो ग्रीन ग्रीन, ऐसे सही तो ऐसे ही आते हैं। ये अरेबिक कॉफी है, ये मैम ये वाले। अच्छा अच्छा कुछ देख रहे हैं, ये छोटा साइज में है और वो बड़ा साइज में है, डिफरेंस तो लीफ दिख रही है। हां 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 अच्छा खाली अरेबिक ये कितना छोटा छोटा है और भी इतना बड़ा होता है। हां कैसे दिस इज कॉफी एंड ये कॉफी प्लांटेशन ये भी दी सुनला बर्बाद कर दी। क्या ये भी अरबी का है? अच्छा ये भी अरबी का, ठीक है। मोर 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 नहीं, हाँ कितना मोर नहीं है, अरे बोले झाड़ा मोर भी दिखे ये लोग तो देख रहे पहले कैसा। अरे कॉफी प्लांटेशन में छुपा हुआ है, फाइनली हमने मोर देखा। तो हमें वाटरफॉल का आवाज़ आ रहा है, हम देख रहे जाना कहाँ है। अच्छा यहाँ पे ये भी मैंने भी सब बड़ा है। वो वाटरफॉल मतलब यहाँ भी पानी होता है, मतलब बारिश होता होगा ना। दिस इज द रिजल्ट, जब आप बड़े कपड़े पहन के आओ जंगल में। It's unforgettable trip. Hi. I really don't want to live this place, but I have to. Okay. Wow. I don't want to. This was the view जहाँ हमने सुबह ब्रेकफास्ट यहाँ किया था। ओके आई विल मिस यू।
बाय राजा। बाय। खाना बहुत टेस्टी था, आपने बनाया था ना, बहुत टेस्टी था। नहीं जानू, नहीं जान, राजा नहीं जाने देगा हम लोगों को। बाय। बाय बाय कुकी। फोटो खींच रहे दिस इज माय लंच। सो फाइनली वी आर डन विथ आवर लंच जो हमने यहाँ किया है। इस जगह के बारे में ये बता दूँ कि ये एक जगह बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे खाना इतना ज़्यादा आपको देते हैं ये लोग। मैं हमने बफे लिया था, इतना ज़्यादा देते हैं ये लोग, इतने प्यार से खाना खिलाते हैं, एक्स्ट्रा खिलाते हैं, आपका पेट भर भी जाएगा फिर भी आपको बहुत अच्छे से खिलाएंगे। यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आप इस जगह को एक बार जरूर चेक कर लेना, मैं सारे डिटेल नीटी डाल दूँगी और इसका जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिख दूँगी। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। जब मैं वहाँ से निकले थे तो हमने कहीं रुका नहीं, फिर हम यहीं लंच करने आए थे। सब आज का दिन का लंच ख़त्म हो गया और फिर हम डायरेक्ट अब बैंगलोर के लिए निकलेंगे यहाँ से। तो आई थिंक हमें 2 घंटे और लगेंगे यहाँ से बैंगलोर के लिए। तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आज के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बट जो भी था थोड़ा सा ही छोटा वीडियो है आज का। सो ये जो वीडियो है वो ओवरऑल वीडियो है चिकमंगलूर ट्रिप का। यदि आपने 3 वीडियो नहीं देखे डे 3, 1, 2, 3 का, तो वो भी आप देख लेना। मैं उसका मैं लीजिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल देन इट्स मी सिल्वर सुमन साइनिंग ऑफ। विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।